आज प्रतिलेखन संख्या 21 लिखाएंगे, इसलिए कॉपी और पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं। दो मिनट में आपको लिखाएंगे 70 के स्पीड में। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं, हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पैराचेन, यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूं जिससे उनकी कठिनाइयां कुछ हल हो जाएं। उदाहरण के रूप में विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। पैराचेन, अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया, सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास किया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का छिपा धन मौजूद है। स्वयं मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो
इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है? ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दांत खट्टे किए, जिसके की ऊपर विश्व की शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था, और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसाकर खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था। अब 80 के स्पीड में लिखाएंगे। किताब, कॉपी और पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं। 2 मिनट में लिखाना प्रारंभ करेंगे। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में, और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं, हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पैराचेन। यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूं जिससे उनकी कठिनाइयां कुछ हल हो जाएं। उदाहरण के रूप में विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। पैराचेन। अभी कुछ
सिपे हुए धान का जिक्र किया गया। सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का सिपा धन मौजूद है। स्वयं मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दांत खट्टे किए जिसके कि ऊपर विश्व की शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसाकर खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था। आप 90 के स्पीड में लिखाएंगे, कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाएं और 2 मिनट में लिखाना प्रारंभ करते हैं 90 के स्पीड में। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं, हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पैरा चेन यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है, इसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूँ जिससे उनकी कठिनाइयाँ कुछ हल हो जाएं। उदाहरण के रूप में विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम
उठाने की आवश्यकता है। पैरा चेन, अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया। सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का छिपा धन मौजूद हैं। स्वयं मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दांत खट्टे किए जिसके कि ऊपर विश्व की शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसाकर खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था। अब आपको 100 के स्पीड में लिखाते हैं। कॉपी और पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं, 2 मिनट में लिखाना प्रारंभ करते हैं। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं, हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पैरा चिन्ह, यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई हैं लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूँ जिससे उनकी कठिनाइयाँ कुछ हल हो जाएं। उदाहरण के रूप में विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। पैरा चेंज, अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया। सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का छिपा धन मौजूद है। स्वयं मैं समझ नहीं पाता हूँ कि
जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दांत खट्टे किए, जिसके कि ऊपर विश्व की शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था, और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसाकर खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था।